खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम है। खुदा का शुक्र, खुदा का जोशीला शिगर था। तो खुदा के पाक कलाम को अपने खत में लिखता है, पहला पत्रस उसका पहला बाप उसकी 24 और 25 आयत में, चुनाचे हर बशर क्या है, ग्रास की मान, और उसकी सारी शान शौकत क्या है, घास के फूल की मान। घास तो क्या है, सूख जाता है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंत का कलाम क्या है, अबद तक कायम रहता है। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। खुदा का शुक्र है कि वाकई ही खुदा का कलाम हमेशा अबद तक हमारे साथ है, और खुदा इसमें हमारी बड़ी मदद करता है। सबसे पहले तो आज के तमाम कर लिसिया का मैं भाइयों का शुक्र करता हूँ, और खासतौर पर अपने भाई यूसुफ बरकत साहब का शुक्र करता हूँ कि जिन्होंने आज वाकई ही एक अच्छी और रूप और सच्चाई के साथ प्रस्तुति की। तो आप सब ने भी खुदा के साथ मिलकर प्रस्तुति की, और अभी तक जैसे ही इन्होंने प्रस्तुति की गीत गाया, तो मैं एक कलाम तो बयान करना चाहता था लेकिन उसकी हेडिंग नहीं मिली, क्योंकि बाद में जितने भी हमारे भाई हैं जो यूट्यूब पे चलाते हैं, उन्होंने पूछना था कि पास्टर सर हेडिंग क्या है, कलाम तो आप मजमून क्या है, मजमून क्या है। तो इसलिए खुदा के रूह ने उसी वक्त मुझे गाइड किया कि वाकई तुझे उनका जवाब देना है, बल्कि तू नहीं बल्कि मेरा पाक रूह तेरे अंदर बोलेगा और समझाएगा। और जैसे ही ये बात जहन में आई, कलाम तो ऑलरेडी तैयार था लेकिन हेडिंग पर, और आज की जो हेडिंग होगी ना, आप सब इस वक्त इस सोबत में बैठे हैं खुदा की सोबत, आज जो हेडिंग होगी वो सोबत, और हम ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं कि खुदा वाकई ही अपने लोगों को जो उसकी सोबत में आते हैं, जो उसके हुजूर में आते हैं, जो उसके साथ तल्लक रखते हैं, जो उसके साथ उठते बैठते चलते फिरते हैं, उनके दरमियान। इसलिए तो मैंने कहा था मेरे जीवन में यीशु मेरा नाम जलाल पाता रहे, तो हम हमेशा खुदा बाप को जलाल देंगे। निकालेंगे हम किताब मुकद्दस में से पहला ग्रंथ की उसका 6 बाब उसकी 17 आयत देखेंगे कि क्या है वाकई ही जो खुदा की सोबत में रहते हैं, क्या खुदा उनके साथ रहता है या नहीं रहता, और खुदा अपने लोगों को कैसे डील करता है। हम अच्छे हैं और बेहतर हैं, ये हम जानते हैं ना, हर कोई अपने आप को अच्छे तरीके के साथ जानता है कि मुझसे अच्छा और बेहतर इंसान कोई नहीं, क्योंकि हम दूसरों पर उंगली उठाना आसान रखते हैं, दूसरों पर ऐप जो ही करना आसान लगता है, लेकिन जब कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए और हमारी ऐप जो ही करे तो हमें गुस्सा आता है। और ऐसी एक इंसानी फितरत में एक आदत है, इंसान जो बनाया गया वो सोबत में तो अच्छी में बैठना चाहता है, लेकिन उस पर जब हमले होते हैं, जब उस पर बुरी बातों का असर आता है, जब उसके अंदर गरूर आता है, जब उसके अंदर घमंड आता है, तो वो अच्छी सोबतों को छोड़कर बुरी सोबतों में बैठना शुरू करता है। तो क्या है पढ़ेंगे हम, और जो खुदावंत की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। आमीन। खुदावंत के पाक नाम को पढ़े सुने जाने पर खुदा की बात है। आज हम जो खुदा की सोबत में खुदा के हजूर में आकर बैठ गए, हम क्या हो गए थे, एक रूह। खुदा क्या है, रूह है। तो हम जानते हैं कि जब खुदा की सोबत में आगे हैं तो हम क्या है, खुदा के साथ, जैसे खुदा ने हमारे साथ वादा किया कि मैं तुम्हारे अंदर क्या करूंगा, पाक रूह डालूंगा, कोई बुरा रूह नहीं डालूंगा, पाक रूह डालूंगा, ताकि तुम हमेशा मेरी हजूरी में, मेरे हजूर में झुकते रहो और मेरी इबादत, मेरी प्रस्तुति करते। और जो झुकते हैं, जो सजदा करते हैं, वो हमेशा खुदा से बरकत लेते हैं।
मुकद्दस मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है उसका 8 बाब उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है उसने? जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो गई। आमीन। अब यहाँ पर क्या हो गया? जब वो पहाड़ से उतरा, कौन उतरा? यीशु मसीह। उस वक्त तो यीशु के पीछे ही सब जा रहे थे, यीशु के सोबत में रहते थे, यीशु से सीखना चाहते थे, यीशु को पुकारते थे, यीशु के साथ उठते थे, बैठते थे, चलते थे, फिरते थे, क्योंकि वो मौजूद करता था और उसकी फितरत में ये काम था, उसके हुजूरी में जो रहता था वो उनको परखने देता था, उनके हर एक गुनाह को मुआफ करता था, उनकी हर एक बीमारी को दूर करता था। और यहां पर आगे वाली आयत में देखेंगे क्या लिखा है। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदा अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हालेलुया, आमीन। वो किसकी सोबत में आकर कहता है? यीशु। किसी और की सोबत में गया, पहाड़ से उतरा और ये कोढ़ी न पाक गिना जाता था। यहूदी कल्चर में ये बीमारी जिसको लग जाती थी ना, आप जानते हैं कि उसके साथ क्या शुरू किया जाता था? उसको उसके खानदान से, उसके इबादत खानों से, आदमियों से, जहां पर वो बैठता उठता था, जहां पर वो सोते रखता था, उसको क्या किया जाता था? अलग किया जाता था। और जब अलग किया जाता था ना, उसका तल्लक एक नपाक जगहों पर, नपाक बैठकों पर, नपाक सोबतों पर हो जाता है। और जैसे ही वो नपाक सोबतों में बैठा हुआ खुदा के बेटे का चर्चा सुनता है तो वो कहां पर आ जाता है? अभी भाई ने बड़ी खूबसूरती के साथ पढ़ा, वो उसके हुजूर में आ गया और क्या करता है? सजदा किया। हमने कभी किया? कोई करता है? मैं तो करता हूं, मैं फखर के साथ कहता हूं कि मैं उसको हमेशा सजदा करता हूं, क्योंकि वो सजदों के लायक खुदा है, वो अमल के लायक खुदा है, वो तारीफ के लायक खुदा है, वो जो उसके सामने झुक जाता है वो हर एक बीमारी से, तंगी तकलीफ से, परेशानी से, गुनाह से दूर हो जाता है। क्योंकि कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जिसको गुनाह का नाम दिया गया था, और जो कोई भी गुनाह करता था ना वो उसको कोढ़ी कहते। अगर आप पढ़ेंगे ना अखबार की किताब, उसमें बड़ी तफसील के साथ लिखा गया था कि काहन तस्दीक करता था। काहन क्या करता था? तस्दीक करता था अगर उसके चमड़ी फैलेगी क्या होगा, और बहुत सी ऐसी उसमें तस्वीर लिखी हुई। अगर पढ़ेंगे ना पूरा बाप है ना 116 उसमें लिखा हुआ है पूरे, और आगे गिनती में भी लिखा हुआ है, और जहां जहां भी ये सारी चीजें हैं। तो अब शरीयत में जाएंगे ना तो ये एक लानती और नपाकी वाली बीमारी, और इससे कोई सोबत नहीं रखता। और हत्ता के लेकिन यीशु मसीह ने खिदमत की, पिछली दफा आप खिदमत का मैसेज सुना था, यीशु मसीह ने खिदमत की, कैसी की थी? उसने तो उसके भी पाँव धोए जिसके ना भी चाहता था। आप कर सकते हैं? नहीं। मैं फखर के साथ कहता हूं नहीं। हमारे अंदर क्या है? अना नहीं करना पसंद करता, ये एक बात है। लेकिन यीशु ने इस नपाक को कबूल किया। आज खुदावन यीशु आपको भी कबूल करता है, आप उसकी सोबत में रहते हो, आप उसके हुजूर में आते हैं, आप उसके सामने झुकते हैं, आपको कबूल क्यों नहीं करेगा? हालेलुया। तो कबूल जब कर हो जाएंगे तो क्या होता है? अगर हमें आज हमें कोई अच्छी जॉब में कबूल कर लेता है तो हम क्या होते हैं? खुश होते हैं, हमारा खुशी से समाना नहीं, हम गवाही देते हैं तो मैं सिलेक्ट हो गया, मैं कबूल हो गया, ये
मैं कल को उस काम से जाना है, तो आज आप कबूल हो गया तो आप खुश हो गए, तो खुशी के साथ ही होना चाहिए। हम जब अपने तमाम कामों को देखते हैं, सोचते हैं, ये एक कोड़ी था, एक कोड़ी को शिफा मिली, वो खुश हो गया और खुदा की सोबत में दोबारा से आया। हालेलुया। और यहां पर भी एक लूका की इंजील में एक वाक्य लिखा हुआ है, लूका 17 बाब हम देखेंगे, उसकी 11 आयत से हम थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे। वहां पर 10 कोड़ियों का जिक्र गिना गया। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोड़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई कायन को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। आमीन आमीन। यहाँ पर कहन का जिक्र आ गया। कितने लोगों ने वहां पर और से बड़े हुए सामने आए। और यहाँ पर एक बात आपको वाजिया नजर आती है कि 10 कोड़ी थे। और जब हमें किसी से कुछ लेना होता है ना, असी भी बड़े तबले और यहाँ पर भी इन 10 कोड़ियों ने इसी बात को सुना हुआ था, जाना हुआ था कि यीशु शफा देता है, यीशु मौत से करता है, यीशु क्या करता है, मुर्दे से करता है, बड़े बड़े बीमारियों को क्या करता है, दूर कर देता है। और ये कोड़ तो उसकी नजर में कुछ भी नहीं। यहां पर कितने कोड़ी हैं? 10 कोड़ी। आप मेरे साथ हैं? आमीन। कितने कोड़ी हैं? 10। और दसों को क्या कहा? अपने काम में आवाज लगाई। दसों ने क्या किया? इत्तफाक किया था। क्या किया था? इत्तफाक किया। क्या कहा? ऐ यीशु, ऐसा है, हम पर रहम कर। किसी भी कर उन्होंने क्या इत्तफाक किया और कहा, ऐ यीशु, ऐ खुदावन, हम पर रहम कर। जब उन पर रहम हो गया तो क्या हो गया? उदाहरण के जाओ तुझे चंगे हो गए। तो सोई चंगे हो, कोई भी नहीं, 10 के 10 क्या हो गए थे? अच्छे चंगे हो गए, कोर से पाक साफ हो गए। और जाते जाते उन्होंने महसूस किया कि हम अच्छे हो गए, चंगे हो गए, साफ हो गए। तस्दीक कराने के लिए कहां पर जाना था उन्हें? जिसने फिर से उसको उसी सोबत में रखना था, उसी मजलिस में रखना था, वहां ही बैठक में रखना था। और जैसे ही उन लोगों दसों ने देखा कि हम शिफा पा गए, तो उनमें से क्या हो गया? एक क्या हो गया? वापस आया। एक ही वापस आया। नौ भी कितने गए? चले गए, नौ चले गए तस्दीक कराकर खुशी के नाल। ओ लगे हम भी कूद जाते हैं। जब नौ चले गए और एक वापस आया तो उसने क्या किया? मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसको उसका शुक्र करने लगा। और वो सामरी था। हालेलुया। और वो यहूदी भी नहीं था। और यहूदी भी जो थे ना, इन सामरियों से नफरत करते, इन सामरियों से तलक नहीं रखते थे। लेकिन ये यहूदी नहीं था बल्कि सामरी था। और आकर सजदा करता है, झुक जाता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है, क्योंकि वो जान गया था कि जिंदगी देने वाला, निजात देने वाला यही यीशु है। तो मैं इसके कदमों में इसके साथ चलूंगा, इसके साथ रहूंगा। और नाउ क्या हो गए? दुनिया की भीड़ में वो वापस नहीं आए, वो चले गए, वो अपने कामों पर लग गए, वो अच्छी सोबतों में फिर से ना बैठे, बल्कि वो गुनाह में फिर से डूब जाए। क्योंकि जो शफा देता है वो हर तरह की बरकत देता है, वो हर तरह की ब्लेसिंग अता कर देता है। और हम ईमान रखते हैं कि यीशु ऐसा करने में कादर। यीशु ने ये तो एक छोटे छोटे काम थे, यीशु तब्दील कर देता है, यीशु हालात बदल देता है, यीशु ख्यालों को बदल देता है। जिस महफल में,
जिस सोबत में यसु आ जाता है वहां पर हर एक हालात क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। तो एक चीज को तब्दील किया था, पता है ये बहुत ही मशहूर वाकया है, यसु जिस शादी में गया, जिस मजलस में गया, जिस सोबत में गया, वहां की सोबत चेंज हो, वहां की बैठक चेंज होगी, वहां का पानी चेंज हो गया। यसु ने वही उनके मुताबिक, दिल के मुताबिक जो कमी थी उनकी पूरी कर दी। हालेलुया। क्या किया था? पानी को मैं बदल दिया। तो इंसान को क्यों नहीं बदल सकता? बदल सकता। जब हम ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं कि हम उसकी सोबत में रहेंगे, जैसे इब्तदाई क्रिश्चियन रहते, सादगी के साथ, बड़े ईमान के साथ, यकीन के साथ उसके सामने झुकती थी, उसके सामने बैठती थी, उठती थी, चलती थी, और बल्कि जब उनको सामने ये बयान किया गया, ये जो मौजूद थे, जो बदल सकता था, जो हालात को चेंज कर सकता था, उसी के बारे में जब बताया गया, तो उन्होंने उसको क्या किया था? अब ये उसकी मुरादी खत्म, 40 ईसा सलीब पर क़लामे मुक़द्दस, और इसी सलीब के वसीला से ये यसु को उसकी सोबत में नहीं साबित करते हो रहना। इसमें से हम भी हैं, हम भी जब ज्यादा टाइम लग जाता है ना दुआ को, बंदगी को, प्रस्तीश को, बैठक को, तो हम भी क्या है, कोई आज जाने पूरा ही कलाम सुना रहा है, आज जाए यसु हाड़े जेब से बात नहीं चलेगा, जेब में नहीं, यसु दिल में बात डाल दे। यसु कहां पर आएगा? दिल में आए, यसु आपके साथ रहेगा। आप यसु की सोबत में आ जाए तो क्या होगा? हर एक गुलाब कोड़ी क्या है, कोड़ क्या है, गुनाह है, और आपके गुनाहों को माफ करे। इसलिए तो जब वो पैदा हुआ था उसके बारे में क्या गुआही की गई थी? एक गुआही मामला हो और बेटा चलेगी और उसका नाम क्या होगा? सूरज। ये साया कहता है इमानुएल होगा, इमानुएल होगा यानी खुदा आपके साथ आएगा। तो खुदा आपके साथ होगा, हम नहीं खुदा के साथ होंगे। कल एक पास्टर बासठ साहब ने एक बहुत अच्छी, एक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो साल तफसील बताई, बैठे हुए थे, खुदा की सोबत थी होगी, और उन्होंने एक कहा, एक मुर्गी मरी हुई है और वो चल रहा है, बुरी मुर्गी क्या है, मरी हुई है और वो चल रही है, मैं मुर्गी को चलते चलते देख रहा हूं, क्या हो गया, मुर्गी मरी हुई चले, बताए जरा, हमारा जो दिमाग है क्या हम जानते हैं कि मुर्गी मरी हुई चल रही है, मुर्गी तो मर गई है, जहां पड़ी है वहां ही है, लेकिन हम तो चल रहे हैं ना, हम देख रहे हैं उसको मरी हुई मुर्गी को, ये ही हमारा करता है। हम ईमान रखते हैं कि हम मरे हुए हैं लेकिन यीशु जिंदा है। आमीन। हालेलुया। आमीन। और हम जब उसकी महफिल में आएंगे हम मरे हुए जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। आमीन। हम ईमान रखते हैं कि हम जो जिंदा है खुदा की सोबत में रहेंगे। अगर आप आज अपने आप को मरा हुआ भी महसूस करते हैं तो आप ईमान रखें कि आप जिंदा हैं, क्योंकि जो जिंदा ही क्या है, खुदा की इबादत करते हैं। जब इब्तदाई क्रिश्चिया की बात मैं कर रहा था, जब पतरस ने 120 की जमात में खड़े होकर कलाम किया तो कितने लोग ईमान लाए थे? ये बहुत 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। इसलिए आपको वहां पर रखा गया। मैं चाहता हूं कि आप सारा कलाम ऐसे अपने अंदर, जिसके अंदर कलाम होगा ना वो ही जलाली होगा, कलाम ही अब तक कायम होगा। जैसे मैंने इसके शिक्षक के बारे में क्या कहा, अब तक क्या होगा, कलाम अब तक कायम रहेगा, और कलाम ही हमें जिंदा करेगा और कलाम ही हमें निजात देगा। और हम
आज पास्टर साहब ने भी वहां से पढ़ा था, लेकिन 45 आयत में से हम पढ़े थे 24वां अमाल गोबा उसकी 45 आयत। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। अब यहाँ पर अगर हम उससे ऊपर वाली आयत पढ़ते हैं ना, पास जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने क्या किया, बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 के करीब उनमें मिल गए। यहाँ पर जैसे पास्टर साहब ने बताया इसलिए मैंने 45वीं आयत में 3000 लोग मिल गए, और अब जब 3000 लोग मिल गए उन्होंने कोई फख्र नहीं, उन्होंने कोई फख्र नहीं किया। वो 3000 लोग क्या हो गए थे, किस सोबत में आ गए, खुदा की सोबत में आ गए। रसूल तो खुदा ने ही बनाए थे, उनको तालीम दी थी, लेकिन उससे पहले अगर जाएगा उनके दिल पर चोट भी लगने लगी, और उन्हीं लोगों ने पूछा, सवाल करना शुरू कर दिया कि हम क्या करें, हम क्या करें, कहां पर जाएं, अब कहां पर हमारा ठिकाना है, हम तो अब ईमान ला चुके हैं जो तूने आज कलाम किया है खुदा के बेटे के वसीला से कि वो जिंदा है और वो आपके दरमियान है। आप ही लोगों ने उसे छेदा, बड़ी दलेरी के साथ उन पर इल्जाम लगाता है और कहता है कि आप लोगों ने उसको कत्ल किया, आप लोगों ने उसको स्लीप पर लटकाया, आप लोगों ने उसको मारा। और जब उनके दिल पर ये चोट लगी तो उन्होंने क्या किया था, पूरी सुनतों को छोड़कर खुदा, अमीन। और जैसे ही वो खुदा की हुजूरी में आए तो एक अच्छी सोबत में आए, एक अच्छे प्यार में आए, और सादगी के साथ रसूल ना तपड़ा ही ना वाजा ही ना प्रस्ताव सा, बल्कि सादगी के साथ क्या पढ़िया था हमने, बड़ी सादगी के साथ वो रोटी तोड़ने की रस्म में आती। जैसे आज हमने करना है, ये आर्डर मिला हुआ है, और वो रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में क्या रखे, मशगूल रहे, किसी और सोबत में नहीं रहे, किसी और काम में नहीं रहे, बल्कि हर एक सोच उनकी तरफ, हर एक ख्याल उनका खत्म हो गया, बल्कि वो खुदा की सोबत में आकर दुआ में मशगूल रहे, कलाम सुनने के तालब हो गए, खुदा के खाकों के तालब हो गए, खुदा के बंदों के पीछे लग गए कि यही अच्छी सोबतों की तालीम देंगे, यही अच्छे ख्याल तुम्हारे दिल में डालेंगे। और हम क्यों दूसरी कौमों के पीछे पड़े, हमारा क्या है, जिंदा खुदा है, हालेलुया। हम ईमान रखते हैं, और ये उसी वक्त होगा, खुदा ने जब वादा किया था ना पाखरू देने का, उसने 50 दिन जिंदा होने के बाद 50 दिन 3.5 साल तालीम दी, उनको बताया एक दूसरा मददगार आएगा, वो आपको हर तरह की मदद देगा, वो आपके आने वाले ख्यालों को, आने वाली खबरें आपको पहुंचाएगा। दूसरे मददगार के लिए खुदा ने अपने शिगिर्दों को तैयार किया, ऐसा तैयार किया जो 50 दिन 3.5 साल उसने तालीम दी, 50 दिन में वो भी तालीम दी और कहा अब मैं जाता हूं, और क्या कहा था, अब मैं जाता हूं ठहरे रहना, ये नहीं कहा था ठहरे रहना, वो एक जगह पर नहीं ठहर गए थे, वो ठहरे रहे, खुदा यीशु मसीह 50 दिन के बाद चलेंगे और 10 दिन के बाद 40 दिन के बाद चलेंगे, तो क्या 10 दिन के बाद वो पार्क को आने वाला था, वो जब उनको ये हुक्म मिला के ठहरे रहना, आज मैं आपको नहीं ये कहूंगा आप ठहरे रहना, वो भी ठहरे थे, ईमान में ठहरे थे और सारी बातें करते थे, हर एक काम करते थे, ये नहीं कि वो लेकिन रफाकत रखते, एक वक्त उन्होंने मुकर्रर कर दिया था, एक दिन में वक्त मुकर्रर किया था कि हमें वो दूसरा मददगार मिलना है, इस वक्त आएगा जब यीशु भी बंद कमरे में उनके पास आता है, तुम्हारी शांति हो,
जिंदा होने के बाद तो वो पहला स्तर, वो क्या था पहला स्तर, पीते के अनुबंध जिसको हम कहते हैं वो पहला बन स्तर था। और अब वो ही इसी तरह ईमान को देखते हुए वो क्या है ठहरे रहे हुक्म के ऊपर। आज आपको मैं कहूँ ठहरे वो नहीं ठहरे, वो भी ठहरे लेकिन ईमान में मजबूती में खुदा के लोगों के साथ जाते थे, कलाम सुनाते थे और फिर वो उसी कमरे में आ जाते जहां पर उन्होंने दुआ के लिए ठहराया था कि हमने जहां पर खुदा का पाक पाएगा, यहां पर खुदा पाएगा। और हम ईमान रखते हैं और वो भी ईमान रखते हैं रख रहे थे तो क्या हुआ विजय पहली क्लास वाले दिन क्या हो गया था वो अपने वादे के मुताबिक हालेलुया। ये तो मैंने क्लास वाले दिन आपको बताया था, अगर भूल गया तो इसलिए मैं आपको वो ही सवाल करता जो मैंने आपको सिखाया होगा बताया होगा। तो उस दिन पाखरू आ गया और वो सब क्या हो गए पाखरू से पढ़ गए। आज आप अगर लेना चाहते हैं क्या कहा है खुदा ने, अगर आपका बेटा आपसे रोटी मांगे तो क्या आप उसको पत्थर देंगे, अगर वो आपसे मछली मांगे तो क्या उसको आप क्या है मछली के बदले क्या है मछली मिले। हम दुनियावी बाप की बात हो जाएगी, रोटी मांगेगा तो मेरे को रोटी डालेंगे, बल्कि अच्छे वाला आजकल मैकडॉनल्ड भी दिया देगा और अगर इससे भी अच्छी कोई होगी ना चीज हम वो भी ला करते। अरे मेरा मुंडा इतने बढ़िया हो गए मेरा नाम पैदा कर रहा है दुआवा करके ले ले भी हम फिर दुआ जब पैर होंगे तो दुआवा भी करवा दे तो जब ज्यादा होंगे उदो भी दुआवा करवा दे। लेकिन यीशु ऐसा है आप यीशु से मांगे अच्छे होके मांगे आप बुरे भी हो जाएंगे आपको वो देगा आप, लेकिन आप बुरे तो नहीं होंगे कहां से हमने शुरू किया है अच्छी सोबत से। यीशु की सोबत क्या है एक अच्छी सोबत है और उसी में हमने बढ़ना है उसी में हमने आगे जाना है। और जो हम अब यहां पर देखे रोटी मांगने गए तो क्या होगा रोटी दे अपना जो बच्चा है रेहान अगर आपसे भी क्या मांगेगा रोटी मांगेगा तो आप क्या मांगेंगे क्या पानी पिला या रोटी खाते आप रोटी पूछेंगे आप इनकार नहीं करेंगे कि रोटी रोटी है बहिष्पात आपके पास जो बहिष्पात मिला है तो वो रोटी ही मिल जाएगी। अगर वो खुदा से आज अगर हम ईमान रखते हैं कि उसकी सोबत में रहना है घंटों रहना है बल्कि अबद तक रहना है, जो आज ईमान रख लेंगे कि हमने घंटों नहीं बल्कि अबद तक रहना है उनको भी पार क्योंकि खुदा का वादा सच्चा है और खुदा अपने लोगों को हमेशा ऐसी नेमतों से मालामाल करता है। जब आपको पाखरू मिलेगा ना तुलसियों के नाम पलूस और खत लिखता है तो वो तसल्ली देता है वो दिलों को तसल्ली देता है। उसकी दूसरी आयत में हम पढ़ेंगे दूसरे बात की दूसरी आयत पढ़ेंगे ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में क्या होंगे वो मोहब्बत में आपस में क्या होंगे इकट्ठे रहेंगे लादा लादा नहीं होंगे। अब क्या है जब आपको पाखरू मिल गया ना आप मोहब्बत में दिल को तसल्ली मिल गई दिल में आपने मोहब्बत आ गई और मोहब्बत कौन है यीशु मसीह है। मोहब्बत खुदा है तसल्ली भी खुदा है मोहब्बत भी खुदा है और जब आपको तसल्ली और मोहब्बत मिल गई तो आप इकट्ठे रहना शुरू कर आप अलग अलग नहीं रहेंगे आप एक जगह पर जहां पर खुदा के लोग होंगे आप ढूंढेंगे कि वहां पर ध्रुव और सच्चाई के साथ इबादत वहां पर खुदा के लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे चलेंगे और आगे क्या होगा और पूरी समझ की तमाम दौलत को क्या करेंगे
हासिल करें। अब पूरी समझ किसके पास है? कोई इंसान के पास नहीं, किसके पास है? खुदा के बेटे यीशु के पास। और जब उसने आपको बनाया, आपको पैदा किया, आदम को बनाया, क्या बनाया था? एक बुत बनाया आदम को, एक बुत बनाया। और जब उस बुत में अच्छी कुमार है, बड़े अच्छे तरीके के साथ क्या एक सूरत अपनी बनाई, अपनी सूरत बनाई इसलिए इसको आदम का नाम था ना, उसने अपनी सूरत का एक इंसान बनाया, अपनी सूरत बनाई, बड़ा सोना है। कितने सालों से उसको आपको पता है? छठे दिन इंसान बना था। कितने दिनों के बाद बना? तो ये छह दिन है, सातवें दिन आराम किया। मैंने एक बात एक दफा मैंने बताई थी कि एक दिन कितने बराबर है, यानी कि 6,000 साल पहले इंसान उसने सोचा, 6,000 साल तक सोचता रहा, 5,000 साल उसने सारी दुनिया बनाई, इंसान को बना दिया, बेजान बना रहता था, सारे चाहते थे। वह क्या दिया था? खुदा ने उसके कहते हैं नक्शों में जिंदगी का था, नक्शों में क्या किया था? जिंदगी का था। और अपनी वो ही सांस दी, अपना हर एक जहन दिया, अपनी अकल दी, अपनी सूरत दी, अपनी छवि दी, और अपने जैसा बना दिया। और ताकि वो क्या करो, मेरी सोबत में रहे, मेरे साथ उठे बैठे चले फिरे, ताकि मैं उसके साथ हमेशा खुदा ने फिर उसको बनाने के बाद एक दफा पछताया था ना, तो फिर जब पछताया तो क्या हो गया? उसको पलट दिया। हम पदार्थ का चैप्टर पढ़ते हैं थोड़ा, ये बहुत खूबसूरत बात आई थी जहन में, जिसको हम थोड़ा सा सीखेंगे, थोड़ा सा तीन बात पे हम जाएंगे और उसकी 14 से हम पढ़ेंगे। और खुदावन खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये क्या किया, तू सब छुपाओं और देशी जानवरों में मलूम है, तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर ताप चाटेगा। अब यहां पर जब जिसने गुनवा करवाया, जिसने रफाकत छुड़वाई, अब उसको ये सजा दे रहा है खुदा। आगे जरा पढ़े, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। आमीन। अब यहां पर जब रफाकत टूटी, सजा दे रहा है, और अब यहां पर वो वादा आ गया हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह का, औरत की नस्ल से क्या है वो? तेरे जो औरत की नस्ल से होगा वो तेरे सर को क्या करेगा? कुचलेगा, कुचलेगा, और तू उसकी पेड़ी पर काटेगा। आगे पढ़े, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी पेड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा, क्या कहा? कि मैं तेरे दर्द हमल को बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शोहर की तरह होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। हाँ, यहां तक सब को सजा दे रहा था। जब नाराज हो गया, खुदा की सोबत से निकल गया, गुनाह कर गया। और यहां पर आगे हम पढ़ते जाएंगे थोड़ा सा, और आदम से उसने कहा, क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई, मशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और उन कटारे बुलाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। आमीन। अब यहाँ पर सब तीनों को सजा मिली है, जिस जिस तरीके से गुनाह किया। और यहाँ ये क्या हो गया? अब रफाकत से बाहर हो। अब यहाँ पर
खुदा ने जब औरत को सजा दी और औरत के वसीला से फिर से निजात निकाला और वो निजात ही ना, हम जानते हैं कि खुदा की कुदरत से, खुदा के पाक से आया और वो ही हमें निजात देगा, वो ही हमें तमाम बीमारियों से छुड़ाएगा, जिसका हमें जिक्र सुनते आ रहे हैं, जो अपनी दुनिया जिंदगी में आया, उसने हर तरह की बीमारी को, गुनाह को मुआफ किया। और यहाँ पर आदम को क्या कहा था, क्या बतूते है, क्या है जमीन तेरे सबब से क्या हो गया, लानती हो। जमीन किसके सबब से लानती है, आदम के सबब से, क्योंकि उसने होकर तोड़ दिया, रफाकत छोड़ दी, सोबत छोड़ दी और बुरी सोबतों के चक्कर में आ गया, बैठ में आ गया और खुदा ने तीनों को सुगा दी और खुदा चाहता तो उनको अपनी सोबत से बाहर ना निकाल। लेकिन गुनाह एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है, खुदा उसको देख नहीं सकता, खुदा को देख नहीं सकता, उनको तोड़ने वालों को भी नहीं देख सकता, इसलिए उनको दान की जमीन पर है। और खुदा ने कहा कि वहां पर आपको पता है बातें करने दोबारा से शुलागर परिवारों का पहरा लगा, जो परिवारों का पहरा लग गया कोई उसमें आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था, लेकिन खुदा का बेटा आपसे मुहब्बत करता है, वो आपकी खातिर इस दुनिया में आया, जिसने आपके पहरों को आपसे फिर से रफाकत की, लानती जमीन पर आ गया, आपके साथ उठा बैठा चला फिरा, आपके दरमियान रहा। अगर आप उसकी खूबियों को देखना चाहते हैं, आप उसकी गहराई को देखना चाहते हैं, आप उसके साथ रहना चाहते हैं, कुलसियों के बाप के छठी आयत को हम पढ़ेंगे, दूसरे बाप की छठी आयत, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, आले क्या है, बस जिस तरह तुमने क्या है मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें क्या करो, अब कहां पर चल रहा है, केड़ी सोबत रहना है। आज अगर आपने यीशु को कबूल किया है तो फिर क्या है, मसीह यीशु है, मसीह क्या है, यीशु है और खुदावंद भी है। अगर आप उसके साथ चलेंगे, आप उसकी गहराई को नहीं जानते, आप उसकी चौड़ाई को नहीं जानते, आप उसके साथ चलना शुरू करते वो आपके साथ हमेशा चलता है। हालेलुया, आप उसकी सोबत में आ जाएं, वो आपको हमेशा मुआफ करता है, आप गलती भी करेंगे, गाड़ी कहें तो पास जाने कह रहे हैं, गलती नहीं करनी, गुनाह नहीं करना, ये कलाम मुआफ नहीं करता। जब उसने जिसके नथनों में अपने हाथों से बनाए हुए इंसान को जमीन पर फेंक दिया, गलती करने वाले को, गुनाह करने वाले को खुदा कहता है गुनाह की मजदूरी क्या है, तो आप फिर अपनी हलाकत देखेंगे। अगर आज आगे बढ़ के आज पढ़ेंगे उसमें जड़ पकड़ते रहो, क्या है अब क्या है, उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तरीन पाई उस तरह ईमान में क्या हो जाओ, मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया। ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा, अब क्या है उसमें मजबूत होना है, तीन बातें आखिर उसने बता दी उसके बच्चे को, उसने जो पहले इसी मजहब खत्म करने के दर पर, लेकिन जब वो खुदा की सोबत में आ गया, खुदा के चक्कर में आ गया, खुदा के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, तो क्या है अब वो कहता है उसकी गहराई चौड़ाई लंबाई हो जाओ शुरू, उसमें जड़ पकड़ना शुरू कर दो, तो नहीं विचो भी, तो बड़े सोने लग रहे, लेकिन जब हम बीच में से जड़ पकड़ेंगे ना, एक दरख्त को लानत दी थी, किसको लानत दी, अंजीर के ऊपर लानत दी, क्योंकि यीशु को हरा भरा बड़ा देखकर उसके पास गया था। आज भी इंसान हमें हरे भरे नजर आते हैं, आज भी इंसान क्या है हरे भरे नजर आते हैं, हम उनकी सोबत में जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास फल नहीं है। लेकिन अंजीर के दरख्त की एक खूबी है, वो क्या है 20 फुट ऊंचा होता है, 20 फुट चौड़ा भी होता है,
जितना ऊंचा होता है उतना चौड़ा होता है, और उसमें फल साल में दो दफा लगते हैं। एक पत्ते आने से पहले उसमें फल लग जाता है, और एक जब पत्ते आ जाते हैं उसमें फल आ जाता है। इसलिए यीशु उसकी खूबी को जानता हुआ उसके पास गया, और वो एक बड़ी अच्छी तमसील उनको समझाता है अपने शिष्यों को कि देखो, और एक दिन में लानत दी, दूसरे दिन आकर एक ही दिन में आता। ये बातें हैं जब यीशु पता है बैतनिय्या शहर में आता जाता रहता था, यरूशलेम में जाता था, बैतनिय्या में आता था, यरूशलेम में जाता था, बैतनिय्या में आता था, वहां पर कौन से करता था, वहां पर लाजर के पास जाता था, लाजर के घर में रहता था, उठता बैठता चलता फिरता था। और जब वहां से बैतनिय्या का सफर तकरीबन यरूशलेम के आसपास, उस वक्त का इंतजाम था कि यरूशलेम में हैकल और यरूशलेम में सारे जमा होते थे, और सब जब जमा होते थे वहां पर इबादत भी करते थे, और आसपास के जितने भी इलाके होते थे उनको वो यरूशलेम का ही नाम देते थे। और इसलिए बैतनिय्या भी यरूशलेम के पास था, 2 किलोमीटर का ये जो आप लगा रहे हैं स्पेसी लगा रहे हैं, इधर से 2 किलोमीटर ही होगा, 3 किलोमीटर कितना दूर है। स्पेसी में यीशु रहता था बैतनिय्या के पास, यानी बैतनिय्या ने ज्यादा वक्त गुजारा, और वहां पर वो चलता चलता भूखे ऐसी नहीं लगी, वो बताना चाहता था अपने शिक्षकों को, सिखाना चाहता था, और जब वो सिखा रहा था कि बड़े बड़े इंसानों के पास आ जाए, खुदा ने बहुत से बातों से तमसीलें सिखाई हैं अपने शिक्षकों को। और इसका मतलब ये है कि जब वो फल नहीं मिला तो क्या हो गया, इस पर लानत हो गई, तो क्या उस पर दोबारा फल लगा, सूख गया था, चांदो अंधे में क्या है। यही जहां से मैंने आपको कलाम सुनाया था ना, यही पत्रस कहता है, ऐ खुदावन देख जिस तरह पर तूने लानत दिया हो, ऊपर से लेकर नीचे तक अंदर तक जड़ तक सूख गया है, अब इसमें कभी भी फल नहीं लगे। हालेलुया। अगर आज आप हरे भरे नजर आते हैं ऊपर से और अंदर से भी आना चाहिए, तो आप में फल होगा, और आप खुदा की सोबत में आते, आप खुदा की दूरी में आते। हालेलुया। खुदा इस वेद को समझे कि हमें ताकत दे।